राहुल गांधी की इस ट्रैक्टर रैली से हरसिमरत कौर बादल का वड्डा हमला उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ड्रामा खत्म होने तो पहला पंजाब के लोगों के सवालों के राहुल गांधी जवाब दे। सो राहुल गांधी की इस ट्रैक्टर रैली से हरसिमरत कौर बादल ने वड्डा हमला किया है। तो उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ड्रामा खत्म होने तो पहला पंजाब के लोगों के सवालों के राहुल गांधी जवाब देन ते दसन कि किसान विरोधी बिलों से वोटिंग दौरान तुहाडे सांसद क्यों गैर हाजिर रहे सन। आगे क्या तुहाडे मुख्यमंत्री कैप्टन कदों प्राइवेट मंडियां बनाने वाले 2017 के कानून रद्द करेंगे। नाल उन्होंने कहा कि एपीएमसी एक्ट नूं रद्द करन दे वायदे वाले तुहाडे 2019 के मैनीफेस्टो ते आखिर तुहाडे कोल की जवाब है। उन्होंने पूछा कि तुसी भी कैप्टन ते केंद्र की मिली भुगत का हिस्सा हो। सो तिखे हमले जिहड़े ने हरसिमरत कौर बादल वालों किए गए ने राहुल गांधी की इस दौरे को लैके। इस बाबत उन्होंने ट्वीट भी किया है तो अपने ट्वीट उन्होंने लिखा है कैप्टन साहब राहुल गांधी नूं प्रधानमंत्री बनने लई अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करन दी लोड़ है पर तुहानू कौन रोकदा है ओ करन तो जिस बारे तुसी ज्ञान वंड रहे हो। साडी मंग मुताबिक सदे विधानसभा का विशेष इजलास अते 2017 दे अपने एक्ट नूं रद्द कर दिओ। आस करदी हां कि पंजाब नूं तुहाडे ते इस किसान मारू एक्ट तो छुटकारा मिलन विच वी एक साल तो वध दा समां नहीं लगेगा। एक होर उन्होंने ट्वीट किया जिस लिखा है इस तो पहला कि पंजाब तुहाडा ए ट्रैक्टर ड्रामा खत्म होवे राहुल गांधी कृपा करके लोगों नूं दसो कि की कारण सी कि संसद अंदर तुसी ते तुहाडे सांसद किसान मारू बिलां दी वोटिंग वेले गैर हाजिर सन। कदों तुहाडे मुख्यमंत्री अपने 14 अगस्त 2017 दे एक्ट नूं रद्द करनगे जिस कारण पंजाब विच निजी मंडियां नूं छोड़ दित्ती गई। उन्होंने अगे सवाल किया अपने 2019 के मैनीफेस्टो बारे स्पष्ट करो जिस एपीएमसी एक्ट नूं रद्द करन ते खेती उत्पादों के लैण देण नूं सारी पाबंदियों तो मुक्त करन दा वायदा किया सी। हुण तां स्पष्ट हो चुका है कि तुहाडे कैप्टन की केंद्र नाल मिली भुगत है कि तुसी भी इस दे विच बराबर दे हिस्सेदार हो।